इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी ब्लॉक डायग्राम और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर पर होने वाली है। हमारी जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकंड ईयर, उसकी एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उस पर आज वीडियो होने वाली है हमारी। इससे पहले हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर पर वीडियो बनाई हुई है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर पर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैं उस वीडियो को लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। तो ये कैसे वर्क करता है और इसके ब्लॉक कैसे बनाया जाता है ब्लॉक डायग्राम, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको 7 ब्लॉक बना लेने हैं। फेज मॉड्यूलेटर से 2 ब्लॉक जुड़े हुए हैं, ऑडियो एम्पलीफायर और ऑडियो इनपुट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर कैरियर सिग्नल उत्पन्न करने के लिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद है बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर का कार्य होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर और फेज मॉड्यूलेटर के बीच मैचिंग कराने का, बफर एम्पलीफायर करता है। उसके बाद है फेज मॉड्यूलेटर। इससे पहले हम जिससे जुड़े हुए 2 ब्लॉक हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑडियो इनपुट। ऑडियो इनपुट से जो अपनी आवाज़ है वो सिग्नल में बदलकर जो जाएगा ऑडियो एम्पलीफायर पर, जो ये ब्लॉक बना हुआ है ऑडियो एम्पलीफायर, इसमें जो सिग्नल को हम दूर तक नहीं भेज सकते, इसलिए उसको एम्पलीफाई किया जाता है। उसके बाद है फेज मॉड्यूलेटर। इसका उपयोग हम FM ट्रांसमीटर में ऑडियो सिग्नल और कैरियर सिग्नल जो है उन दोनों को एक ही फेज में रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, फेज मॉड्यूलेटर का। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर जो हमें फेज मॉड्यूलेटर से जो सिग्नल मिला है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का उपयोग करते हैं। हम मान लेते हैं जैसे इनपुट में हमें जो सिग्नल मिला है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ है, तो उसे हम 10 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्राप्त कराने के लिए मल्टीप्लायर इसे 10 गुना बढ़ा देगा। उसके बाद है ड्राइवर एम्पलीफायर क्लास सी। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से जो हमें सिग्नल मिला है उसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इससे सिग्नल का नुकसान भी कम होता है। और उसके बाद है फाइनल पावर एम्पलीफायर क्लास सी। सिग्नल को दूर तक हमें भेजने के लिए फाइनल पावर एम्पलीफायर जो क्लास सी है उसका उपयोग करते हैं, इससे सिग्नल की पावर को बढ़ाई जाती है। उसके बाद एंटीना के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है, इसी को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर कहते हैं। इसके अंदर बस फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेशन करके ट्रांसमिट किया जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मैं कमेंट कर सकते हैं।